Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dzil majdi wal ula. Wal azmati wal الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلاة इंतहाई इज्जतों शफकतों मोहब्बतों के लायक स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरी जमात और मेरे मसलक के जैगद और मोतबर उलमाए करम सना खानान मुस्तफ़ा और पंडाल में तशरीफ फरमा मेरे लजपाल करीम आका के प्यारे गुलामों आज आप और मैं एक अजीम शख्सियत मजहबी सियासी समाजी मैं यूं कहूं कि खेलों का मैदान हो तो भी सफ़े अव्वल में नजर आने वाला शख्स इबादत का ग्राउंड हो तो फिर भी मस्जिद की सफ़े अव्वल में जो नज़र आता है वो शख्स सखावत का मैदान हो तो जो सफ़े अव्वल में नज़र आता है वो शख्स गरीबों की परवरिश कौम की रहनुमाई और काम में अफाई जो तबीयत रखने वाला शख्स था उसका नाम था चौधरी मोहम्मद अयाज मरहूम उसकी दुआ में आप शामिल हैं आपकी साहबजादगान ने आपके शहजादों ने आपके बेटों ने चौधरी आमिर साहब चौधरी अजीम साहब चौधरी दाऊद साहब ने खूबसूरत तोहफा अपने वालद ग्रामी के लिए ये कर रहे हैं और कोशिश जारी है कि ये खूबसूरत तोहफा वालद साहब के यहाँ पहुँचे और इसी महफिल की बरकत से अयाज साहब की कब्र को अल्लाह कुशादा फरमाए आप आवा बैठे हैं मैं भी हाजिर हूं दो बातें करूंगा एक अजमत मां दूसरा अजमत बाप आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे के पक्के और सच्चे लोग हैं अल्लाह ने जुबान दी है बोलने के लिए कान दिए हैं सुनने के लिए नाक दिए हैं सूंघने के लिए हाथ दिए हैं पकड़ने के लिए पांव दिए हैं चलने के लिए और मैं ये बात पर मला कहता हूं कि जो बंदा जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा में न बोल सके वो गूंगा बेहतर है आओ इसे अल्लाह ने जुबान दी है और चाहता ये है कि मेरी जुबान अल्लाह के जिक्र में इस्तेमाल हो तो हाथों को उठा के हवा में लहरा के अल्लाह की पाकी बयान करे और कहे सुभान अल्लाह यूं आपने सुनना है समाप्त करना है और जानो सबूत देना है कुरान पढ़ा मैं वक्त जाया किए बगैर अपनी दो चार बातें करके गुफ्तगू समेट लूंगा
अल्लाह का पाक कुरान है, अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। बोलना होगा सुभान अल्लाह के बाद रहा, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। अगर मैं तशरीह में जाऊं, डिटेल में जाऊं, एहसान क्या है तो वक्त बीत जाएगा, मैंने आगे बढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ क्या करो, और बोलो बोलो क्या करो, एहसान करो। अब एहसान तू करेगा, एहसान मैं करूंगा, इसका मकसद ये नहीं कि तेरे एहसान करने से तेरे माँ बाप की शान ऊंची हो जाएगी, मेरे एहसान करने से मेरा बाप का मकाम ऊंचा होगा, नहीं। करने वाला जो भी करेगा, अजमत बाप की है, शान तेरी है, मकाम तेरा बढ़ेगा, इज्जत तेरे लोग करेंगे कि ये माँ का ताबेदार है, ये बाप का ताबेदार है। आओ सुनो मेरे मुस्तफा के गुलामों, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर है, साहिब किताब नबी है, बड़े लाड़ले पैगंबर, जो कि दूर पे खड़े होके जमीन पे खड़ो के बातें करे, अल्लाह आसमानों से सुनता है, अल्लाह वहां गुफ्तगू करे, ये यहाँ सुनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इनको जो इतना बड़ा मकाम मिला, तू कहां से मिला, कहां से मिला? जवानी की आलम में जब जाया करते थे ना, तो माँ दुआ मांगा करती थी। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आगे जाना चाहता हूँ। एक मरतबा अर्ज की, या अल्लाह हमें यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे, नबी जो हुए गुनाहों से मासूम हैं, गुनाह हम करते नहीं, तेरे हुक्म के पाबंद रहते हैं, हम जन्नत में जाएंगे। मौला इतना तो बताना कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? बोल सकते हैं सुभान अल्लाह के बाद, जन्नत में साथी कौन होगा? अब सुने जवाब, रब ने फरमाया ऐ पैगंबर, जन्नत में जो तेरा साथी है ना, वो फलां बस्ती में, फलां गांव में, फलां इलाके में रहता है। अर्ज की, मौला वो काम क्या करता है? मेरे रब ने जवाब दिया, फरमाया मूसा वो किसाई है, गोश्त बेचता है। जनाबे मूसा को बड़ा तजस्सुस हुआ कि एक जानिब अल्लाह का पैगंबर, साहिब किताब नबी, और एक जानिब गोश्त बेचने वाला, लेकिन जन्नत में दोनों बराबर। वजह क्या है, राज क्या है? जनाबे मूसा के दिल में तड़प उठा, अर्ज की, या अल्लाह मैं उस बंदे को मिलना चाहता हूं, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं जो कसाई होके और जन्नत में मकाम नबी जैसा पाएगा, उसके बारे में पाएगा। तो अल्लाह ने जनाबे मूसा को उसका एड्रेस दिया। आप मुझे देखिए, उनका क्या किया, एड्रेस बता दिया कि वो वहां रहता है। अब चले जनाबे मूसा कलीमुल्लाह मुलाकात के लिए, वहां पहुंचे, इशारा छाड़ कर रहा हूं, वक्त बचा रहा हूं, वहां पहुंचे ना, तो पहुंचते ही आपके जहन में ये ख्याल था कि मैं देखूंगा ये कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से ये साथी बनेगा। सारे का वो सुभान अल्लाह, मैं कुरान का सहारा लेके मैं अपने गुफ्तगु को आगे ले चलता हूं, लेकिन आप कहेंगे सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम तवज्जो करना, खालिक कायनात कुरान ऐलान कर दे, रब ने ऐलान की तो फरमाया वकवा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु हुवा बिल वालिदैन इहसाना। बरादरान इस्लाम तवज्जो करना, मैं अर्ज प्या करना वा, मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सवाल कीता, सोनिया मालिका मैं मुलाकात करना चाहना, मैं मिलना चाहना। आप गए, आपने चेक कीता कि ए बंदा करदा की है, केड़ा काम करदा, केड़ा अमल करदा। मूसा कलीमुल्लाह ने वेख्या के बड़ी ईमानदारी दे नाल, बड़ी दयानतदारी दे नाल गोश्त बनांदा है, बेच देंदा है, फरोख्त कर देंदा है, जिन्ना कोई कवे उन्ना देंदा है, हेरा फेरी नहीं करदा, चक्कर नहीं करदा, फ्राड नहीं करदा। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह दे दिल दे अंदर ख्याल आयो, एक कम चंगा करदा है, शायद हो सकदा है कि इदी वजह तो मेरा साथी होवे, लेकिन आपने क्या ना, खाली
اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ਸਾ ਕਲੇਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਸਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜੰਨਤੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਵੇਂਦੇ ਗਏ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੂ ਪਕਾਇਆ ਪਕਾ ਕੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੂਸਾ ਕਲੇਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਗੜ ਕਰ ਦੋ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਏ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁਬਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੁਕਮੇ ਚੁਬਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਵੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਲੇ ਫਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਈਫੁਲ ਉਮਰੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਬ ਹਿਲਾਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਏ ਮਾਈ ਦੇ ਲਬ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਏ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਏ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਜੰਨਤ ਜੰਨਰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਧਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਮਾਂ ਕਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੋ ਆਈਏ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਬਾਪ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਮਕਾਮ ਕਾ ਆਲਮ ਹੈ ਬਾਪ ਕਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸੁਣੀਏਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਗਫੀਰ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਸਹਾਬਾ ਆਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰਤੇ 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 ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋ ਸੁਣੀਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਸਿਆਬਾ ਤੁਮ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਅਭੀ
जन्नत का मेन जो दरवाजा है उसे चूमा जाए। सुभान अल्लाह के बाद ढीला नहीं पड़ना। किसी का दिल करता है कि जन्नत का जो मेन दरवाजा है उसे चूम लिया जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जी करता है कि हम जन्नत का मेन दरवाजा चूमे। आका ने डिमांड की है, पूछा है, दिल करता है। सहाबा ने कहा जी करता है। अब सुनिए जवाब। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा ऐसा करो ना, यहां से उठो और अपने अपने घरों में जाओ। जो बंदा बोल सकता है मजबूरी नहीं है, जरूरी कहना है। जो मसरूर बैठा है मजबूर नहीं, जो मसरूर बैठा है वो बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं सहाबा उठो और कहां जाओ? अपने अपने घरों में। सहाबा हैरान, अभी हुजूर ने वादा क्या लिया हमसे कि जन्नत का मेन गेट चूमना है, हमने कहा चूमना। हुजूर आगे क्या फरमाते हैं कि अपने घरों में जाओ। सहाबा उठ खड़े हुए, दो कदम आगे चलते हैं, पीछे बढ़ के देखते हैं, आगे चलते हैं, पीछे बढ़ के देखते हैं। नबुव्वत की आंखों ने ये मंजर देखा ना तो हुजूर ने दिल की बात खींच ली। मेरे आका समझ गया कि सहाबा क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मेरे आका मतलब सहाबा क्यों देख रहे हो? अर्ज की हुजूर आपका जो वादा है। मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो, इसलिए घर भेज रहा हूं कि घर जाओ और जाके अपने बाप का माथा चूम लो और यूं समझना कि हम जन्नत का मेन गेट चूम के आ गए। बाप का ये मकाम है, कुरान हदीस बयान करता है। आइए सुनिए, जब इंसान मर जाता है, आखिरी बात कर रहा हूं, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे मामलात खत्म हो जाते हैं। जो कनेक्शन होता है दुनिया के साथ वो कट जाता है, ना वो कोई नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा, ना जकात, ना हज, कुछ भी नहीं कर सकता, ना किसी के साथ लेन देन मामला, सब खत्म। लेकिन हदीस पाक में आता है कि तीन काम ऐसे हैं, तीन काम ऐसे हैं कि जो बंदा मर जाए तो फिर तक उसके बाद भी जारी रहते हैं। तीन काम फरमाया, पहला इल्ला मिन सदकतिन जारिया, सदका जारिया। और जो चौधरी अयाज साहब ने एक मर्तबा नहीं किया, जो मुझ तक रिपोर्ट पहुंची है, जो मुझ तक पैगाम और जो मैंने सुना, मैं बयान कर रहा हूं, चौधरी अयाज साहब ने कई मर्तबा कई गरीब घरानों को, खानदानों को, कई लोगों को सहारा दिया, इसे कहते हैं सदका जारिया। उसके मुख्तलिफ शक्लें थी, किसी के बच्चे की शादी पे खिदमत कर दी, किसी को मकान बना दिया, किसी के साथ मुट्ठी में कुछ दे दिया, ये होता है सदका जारिया। और सबसे जो ऐनी जो मैं जिसका गवाह हूं उसकी बात कर लेता हूं, जिसमें हमारा ये पूरा गांव नमाज जनाजा अदा करता है, ये जगह, ये जमीन का टुकड़ा चौधरी अयाज साहब ने अल्लाह के राह पे वकफ किया है। ये जब तक लोग इसमें जाके नमाज जनाजा पढ़ते रहेंगे ना, चौधरी अयाज की कब्र आबाद रहेगी। क्यामत तक कोई भी फलाई काम जिससे लोग फायदा उठाएं, मेरे आका फरमाते हैं बंदा मर जाता है वो काम जिंदा रहता है, उसे सवाब पहुंचता रहता है। अगला काम सुनिए, फरमाया औ इल्मिन युनतफाउ बिही, ऐसा इल्म जो फायदा बख्श हो, नफा बख्श इल्म। दो किस्म के इल्म होते हैं ना, एक शैतानी और एक रहमानी। शैतानी की बात नहीं कर रहा, रहमानी की बात कर रहा हूं, जो रहमान से मिलाए। ऐसा इल्म किसी बंदे ने ट्रांसफर किया, आगे पढ़ाया, शागिर्द बने, आगे बने, क्यामत तक वो इल्म आगे फैलता रहेगा, कब्र में सवाब उसे पहुंचता रहेगा। और आखिरी बात, ये सबके लिए पैगाम है, आखिरी बात फरमाया मिन वलदिन सालिहिन, तीसरा वो अमल के नेक औलाद। बंदा दुआ माना या अल्लाह औलाद चंगी दे, खाली औलाद नहीं मंगी दी, या अल्लाह औलाद दे, नहीं औलाद दे ते चंगी दे। उदे विच हिकमत इस हदीस दी सुन, फरमाया ओ चंगी औलाद जदों तक नेकियां करेगी, कोई भी नेकी औलाद विचों करे, बंदा बच्चा जा बच्ची, नेकी करण वाला
बेटा या बेटी होवेगी, लेकिन उदा फायदा उदे बाप नू उसकी मां नू कबर तक पहुंचता रहेगा। और माशाल्लाह मैं तवक्को और उम्मीद नाल गल कह सकना कि चौधरी अयाज साहब के जितने साहबजादगान ने एक तकरीबन मेरे ख्याल नाल वालिद साहब ने नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और मजीद इंशाल्लाह उम्मीद है तवक्को है कि ये भी अपने वालिद ग्रामी के नक्शे कदम पर चल के अपना ना इस जहान के अंदर भी रोशन करेंगे और अगले कबर का अपना मकान अपना सम्मान भी तैयार करेंगे। दुआए अल्लाह ताला हम सब दी हाजिर अपने बरगाज कबूल फरमाए। वाखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।